नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। जंगली ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तभी किया जाता है जब किसी को हम नापसंद करते हैं, और ये शब्द पर्याय बन गया है बेढंगे और बेतरतीबी का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जंगल वो है जहाँ पर प्रकृति की मेहरबानी को सजीव रूप में देखा जाता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उसी जंगल की, जहां पर वन संपदा का वो बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है जो स्वस्थ मानव जीवन के लिए संजीवनी बना हुआ है। तो आइए जानते हैं राज्य शासन वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कदम उठा रहा है। जल, जंगल और जमीन की महत्ता को अनदेखा करना किसी के भी वश में नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश की एक पहचान जंगलों की वजह से है। प्रदेश में 95,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बसे जंगल हैं। ये घने जंगल परिचय देते हैं प्रदेश की समृद्धि का। वनों में ही बसी है प्रदेश की आत्मा। सागौन और साल के वन राज्य का गौरव हैं। इन जंगलों का संरक्षण और संवर्धन कर रहा है मध्य प्रदेश का वन विभाग, जिसके लिए मध्य प्रदेश को 16 वन क्षेत्रीय मंडल, 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्यों में बांटा गया है। वन मंडल में 63 वन प्रभाग शामिल हैं। इन्हीं वनों में है वो बेशकीमती संपदा जिसमें छिपा है मानव स्वास्थ्य का खजाना। जरूरत सिर्फ उस खजाने की सही पहचान कर पाने की है। राज्य शासन 70% वन क्षेत्र के संरक्षण और प्रबंधन में शामिल 15,228 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ राज्य वानिकी को जन उन्मुख बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है। तो देखा आपने हमारे प्रदेश की विशालकाय वन संरचना और घने वनों को। ये वन संपदा आदिकाल से हमें विरासत में मिली है। कहते हैं पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वन विभाग की, जो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए 24 घंटे तो मुस्तैद है ही, साथ ही इनसे होने वाली उपयोगिता को जन जन तक पहुँचाने के लिए साल भर कुछ न कुछ विशेष आयोजन भी करता रहता है। तो ऐसे ही एक आयोजन की और अब हम रुख करते हैं। कैंप नुमा नजारा, जैसे किसी भव्य सेट पर फिल्म की शूटिंग हो रही हो। यह दृश्य है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय वन मेले का। कैंप के अंदर का दृश्य बेहद खूबसूरत वन उत्पादों से भरा था। यहाँ प्रदर्शनियां लगाई गई हैं वन उत्पादों की। उद्घाटन समारोह में वन मंत्री समेत तमाम जिम्मेदार लोग पहुंच चुके हैं। इष्ट पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ वन मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। क्या है वन मेला का उद्देश्य, बता रहे हैं खुद वन मंत्री और उनके आला अफसर। कई बार तो यहाँ मेले में आने के बाद पता चलता है कि रेहटी और पन्ना और नसरुल्लागंज, बुधनी, होशंगाबाद, सुहागपुर, छोटे छोटे स्थानों पर किस तरीके से प्रसंस्करण की यूनिटें चल रही हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये मेले में उन्नति हुई है और ऊपर उठा है, ये छोटी छोटी यूनिट हैं आज जो हमको छोटी दिख रही हैं, ये और बड़ी दिखेंगी। बाकी बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से भी बहुत बेहतर राज्यों को बुलाया गया है, वो भी अपने लोगों को जड़ी बूटियों से और हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उससे परिचय करवाएंगे। लेकिन
सभी से मेरा आग्रह है, चाहे वो स्टॉल हो या प्रदर्शनी हो, चाहे कोई जड़ी बूटी को खरीदने वाला हो कि ना हो, चाहे वो ग्राहक हो कि ना हो, हर व्यक्ति को हमें समझाना है और बताना है, तो इस मेले का उद्देश्य जो है वो सार्थक होगा। वनों के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देने के साथ साथ वनों के निकट रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासियों का वनों और वनोपज पर प्रथम अधिकार माना गया है और इन्हीं आदिवासियों ग्रामीणों के हितार्थ प्रदेश में लगभग 15,000 संयुक्त वन प्रबंध समितियों और लघु वनोपज प्राथमिक समितियों के माध्यम से इनके संग्रहण और प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन इनका कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है वन मेला। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा लगातार 15 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जंगल को जनता से जोड़ा गया है। हमारी वनोपज समितियां होती हैं जो प्रदेश में लगभग 1,066 है। हम उन वनोपज समितियों से जो हमारे करीब करीब 31 लाख संग्राहक हैं, उन संग्राहकों के माध्यम से दूरांचलों में जो जिस प्रकार की भी जड़ी बूटी हैं वो सब एकत्र कराते, वो प्राथमिक समिति उसको एकत्र करा के यहाँ प्रदेश संघ तक भेजती है और उसका जो सही मूल्य होता है वो उस संग्राहक को मिल जाता है। यह हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि संग्राहक को उसके द्वारा एकत्र की गई जड़ी बूटी का उचित मूल्य मिल जाए। उस उचित मूल्य प्राप्ति के लिए हम लोग यह कड़ी के रूप में काम करते हैं। उनको लगातार किस तरह से हम उनका विकास कर सकें, उनके उत्पाद को आसानी से वो बेच सकें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको मार्केट की उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाए, इसके लिए हम जो मेला है उसी उद्देश्य को लेकर उसका आयोजन किया गया है और लोग इस मेले के माध्यम से उससे जुड़ेंगे, जो कि चूँकि आयुर्वेद का जो सीधा सा गणित है वो बाकी की दूसरी जो पेथियाँ हैं वो जब बीमार लोग हो जाते हैं उनका इलाज करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की जो शुरुआत होती है कि बीमारी ना ही हो और लोग निरोगी रहें, उस उद्देश्य को लेके आयुर्वेद की शुरुआत है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये सारे प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, उनके लिए प्रयास। अपने शुरुआती दौर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला वन मेला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वनोपज संघ इस मेले के माध्यम से हर्बल उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रहा है। उत्पादों के बाजारीकरण में भी जल्द ही सफलता हासिल होने की उम्मीद की जा रही है। जो लघु वनोपज से लोग जुड़े हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे जो प्रसंस्करण करने वाले हैं, जो उससे रिसर्च करने वाले एनजीओ, जो भी लघु वनोपज में काम कर रहे हैं, सब यहाँ आए और एक सबके लिए मंच है, सबके लिए एक स्थान में सब इकट्ठा होते हैं एक साथ, तो ये उनको लघु वनोपज के बारे में बहुत जानकारी भी देता है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो बिल्कुल गाँव में हैं और वो शहर तक नहीं आ पाती, ये लोग शहर के हैं गांव तक नहीं जाते हैं, तो ये एक सबको मंच देता है। तो जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हों उनकी मार्केटिंग हो, जब मार्केटिंग होगी गांव वालों तक पैसा ज़्यादा मिलेगा और अच्छे उत्पाद और अच्छा प्रोडक्शन होगा, ये लोग लघु वनोपज इसको और जीवंत रखेंगे, बचाए रखेंगे। तो हम लोग का है कड़ी के रूप में हम लोग माध्यम है इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए। इस साल मेले में सार्क सदस्य देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, हमारे वनोत्पादों को देखा और समझा। We came here basically to know what is actually happening, what herbal things are there, what processing units are there, how herbal things are marketed and all. But coming here, we knew a lot of things. It's an opening eye. It was an opening eye for us, just because the NTFP, non-timber forest product, exploration is far behind than what we are doing in Bhutan. Because in Bhutan, we are just at the start. We don't have processing unit. We don't have also the expertise in enterprising business, whatever it is. But here they have already established a lot of. But
In Bhutan, we have a lot of potentials. We are during our workshop also, we have been discussing. We can produce a lot of NTFPs and also develop marketing chain with the country. So if you look here in Bhutan, we have a lot of 600 medicinal plants. We have around 97 mushrooms. We have 97 fruits, 34 bamboos and 14 canes, whatever it is. There are a lot and lot of resources, bioresources. We here we met a lot of people in India, and we also got their information how to whom we market with what resources. इस तरह वनौषधियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल हो सकेगी, जिसके साथ ही वन उत्पादन पर आधारित उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में और ज्यादा योगदान दे सकेंगे। वनों में अनेक जड़ी बूटियां होती हैं, जिनको जाने अनजाने हम नष्ट कर देते हैं। सिर्फ वैद्य या आयुर्वेद के डॉक्टर ही उनकी समझ रखते हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता को समझा मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ ने। संघ शहद तथा अन्य हर्बल उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन का कार्य भी करता है। कई वनस्पतियां आप जंगलों में उतनी ज्यादा रह नहीं गई, तो उसका उसकी खेती में उत्पादकता लोग बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जैसे कि सफेद मूसली हो गई, अश्वगंधा हो गया, कुछ सुगंधित तेल मतलब घासें हो गई कि जैसे लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला, रोशा ग्रास, तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर हमने इसके भी प्रशिक्षण दिए हैं कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती अपने आप में एक पृथक विषय है, और उसके ऊपर प्रशिक्षण पाकर बहुत सारे किसान इसमें भी लाभान्वित हुए हैं। कोई डायलॉग सुनाइए ना। कौन सा? पुष्पा, I hate tears. तो मेरे डायलॉग थोड़ी ना। वो क्या, मैं खुश हूँ, प्लीज सर। देवी जी, मैं आपको क्या बोरो प्लस लगता हूँ? मतलब? सब एक्टरों का काम मैं ही करूँगा। बोरो प्लस जो निभाए अनेक रोल्स, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर और फटी एड़ियों के लिए भी, सभी गुण एक ही क्रीम में। वन मेले में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित विभिन्न राज्यों की भी अद्भुत जड़ी बूटियां और उत्पाद देखे जा सकते हैं। वन मेले में लोगों की भीड़ देखकर तो लग रहा है कि वन विभाग का ये प्रयास लोगों को जंगल और आयुर्वेद से जोड़ने में ज़रूर सफल होगा। और अब हम लोगों से जानते हैं कि उन्हें यहाँ से क्या जानकारी हासिल की और अपने साथ कौन सी वन औषधि और वन उत्पाद अपने साथ ले जा रहे हैं। असली वनोत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के अलावा उनसे परिचय कराने के लिए मेले में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर का स्टॉल खासा आकर्षण का केंद्र रहा। किस प्रकार से ये जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, कैसा दिखता है पौधा, क्लाइमर है कि हर्ब है कि श्रब है कि ट्री है, या और इसमें कौन सा वाला पार्ट इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो हम डिस्प्ले करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए ये लेकर आए हैं। और हम लोग यही उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको कंजर्व करना चाहिए किसी भी तरीके से। काली मूसली की जो कि बलवर्धक होती है, क्लोरोफाइटम, कुरकुलोगे ऑर्किड्स, और ये आपका है काली हल्दी, कुरक्यूमा केसिया, वन सिंगाड़ा, वाइल्ड अदरक भी होता है, ये आपका जिंजीबर की स्पीसीज है। एक प्लांट होता है जो रिच कैल्शियम होता है, ये है लिया मैक्रोफिला हथपन, जिसको हाथीकन भी कहते हैं। इसके अलावा सूरन जो सब्जी के रूप में घर में यूज़ करते हैं, तो ये वाइल्ड सूरन है। ये हैं औषधीय पौधे जिनको न केवल देखा जा सकता है, साथ ही विक्रय भी किया जा रहा है। अपने घरों में लगाने से लेकर इनकी देखभाल के तरीकों के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। हर घर में मिलने वाले तुलसी के अनेक रूपों और उसके लाभ को भी यहाँ बताया जा रहा है।
ये तुलसी अर्घ लाए हैं हम, और तुलसी अर्घ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुलसी का महत्व अपने देश में बहुत ज़्यादा है। जब दुनिया में लोग आए और बीमारी आई तो सबसे पहले जिससे इलाज हुआ है वो तुलसी है, इसलिए साधु संतों ने तुलसी को पूजनीय बनाया और हर घर में लगाने और उपयोग करने के लिए सबसे बोला है। तो भारतवर्ष में तुलसी की पूजा होती है और ये वही पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और अपने यहाँ कीटाणुओं से, विषैले धुएं से, पॉल्यूशन से उससे बचाता है। अगर दो बूंद तुलसी अगर नियमित किया जाए तो जो धूल धुआं पॉल्यूशन और जितनी सब्जियों में जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनसे इनसे राहत मिलेगी और गंभीर बीमारियों का खतरा कम से कम हो जाएगा। प्रतिवर्ष लगने वाले वन मेले में हर साल की तरह इस साल भी दूर दराज के वन उत्पादक और आयुर्वेद विशेषज्ञ पहुंचे, जिन्होंने लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सलाह के साथ घर पर ही जड़ी बूटियों से दवाई बनाने के तरीके बताए और लोगों को आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी कहा। कहते हैं एलोपैथी मरीज को तात्कालिक लाभ देती है, आयुर्वेद रोग को जड़ से मिटाकर मरीज को निरोगी बनाता है। जरूरत होती है सिर्फ एक सही मशवरे की। यदि सही मशवरा समय पर मिल जाए तो रोग को पनपने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो लीजिए सुनिए वैद्यराज क्या सलाह दे रहे हैं। किडनी और कैंसर की दवाई आप लोगों की दुआ से मैं जड़ी बूटी देता हूँ जिसका नाम है करेसोर जड़ी, और बीज देता हूँ जिनका नाम है सरसों दाना। इससे हमेशा हमेशा के लिए मरीज ठीक कर देता हूँ। और लीवर पीलिया जो हो जाता है जिससे कि पेट में पानी बन जाए, किडनी खराब हो जाए, उसको कान से निकालता हूँ। और अपनी जड़ी बूटी देता हूँ सर्पगंधा जड़ी, उसमें कुछ ऐसे नुस्खे हैं, अरंडी के पत्ते का रस या पत्ता चाय में डालकर पिलाते हैं, सफ़ेद फूल आंकड़े का जिसे मदार बोलते हैं, अकोना बोलते हैं, आंख बोलते हैं, उसका एक फूल सुबह एक शाम चबाकर खाएं और पानी पिए। 3 दिन में पीलिया ठीक होता है। अगर किसी के लीवर में आ गया है तो कुटकी जड़ी पाउडर 1 चना बराबर या 2 चना बराबर तासीर के मुताबिक ठंडे पानी या गर्म पानी से 7 दिन देते हैं, पीलिया ठीक हो जाता है, लीवर भी ठीक हो जाता है। वन मेले में विभिन्न तरह के वन उत्पादों में माटी की महक भी समाहित होने से इसके प्रति लोगों में विश्वसनीयता कायम है। यही विश्वास लोगों को वन मेले की ओर खींच रहा है। भारी संख्या में लोग वन मेले में पहुंचे और मेले में उपलब्ध सामग्रियों की उपयोगिता और इसके लाभ को बेहद सराहा। इसकी विधि कहाँ से सीखी कि कौन कौन सी जड़ी बूटी को आपको मतलब जंगलों से लाना चाहिए, उसको जमा करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए और फिर उसकी दवाइयाँ बनानी, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी आप? कुछ फॉरेस्ट वालों से सीखे और कुछ बैगल लोग हैं उधर पे, आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, उन लोग से सीखे। वो लोग तो बेच पाते नहीं हैं आदिवासी लोग, इसलिए खरीद के बेचते हैं दूसरे को, तो हम लोग उसके मिश्रण बना करके और ला के बेचते हैं। ये केवकंद है, इसको खाने के लिए देते हैं दर्द में, है ना। और ये बालम खीरा है, ये पथरी के लिए है, पेट में पथरी होता है उसको मल मूत्र द्वारा निकाल देता है गला करके। ये हल्दी है, दमा के लिए देते हैं इसको, शहद के साथ में चाटने के लिए। और ये सताबर है, ये कमजोरी वगैरह के लिए, स्मरण शक्ति जिसका कम होता है उसके लिए देते हैं इसको। ये सनपाउडर का बीज है, कानों के लिए है, कान पक जाता है, मवाद बहता है उसके लिए इसको देते हैं। कड़वे तेल में पका करके डालें तो वो सही हो जाता है। वनवासियों को कैसे प्रेरित करते हैं कि वो जड़ी बूटियों का संग्रहण करें और आपके वनमंडल में आके उसको बेचें, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? हम उनको बताते हैं कि अपनी ये जो जड़ी बूटियां हैं जंगलों में, इससे असाध्य से असाध्य रोग जाते हैं, आप इनको मतलब निकाल करके एक तो स्वयं उपयोग करें और बेचें भी उसको, जिससे आपको उसका पैसा मिलेगा। तो जो अभी यहाँ जड़ी बूटी आई है उन्होंने अपने जंगल से खोदे हैं और खुद करके हमको पैसे में दिए, तो उनको भी 2 पैसा मिल गया। और यहाँ ला करके हम जो जनता को दे रहे हैं लगे मूल्य में,
पारिश्रमिक जो लगा है वही मूल्य में दे रहे हैं, उससे उनका असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो रहा है। हर पौधे को पानी चाहिए, खाद चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर ये एक रासना का पौधा एक ऐसा है संसार में कि 84 प्रकार के वात रोगों को भी ठीक करता है और आपसे कुछ नहीं मांगता, सब कुछ हमको देता है। ये ऐसा कोई रोग नहीं है इससे कि जो ठीक ना हो सके। क्या हम इस पौधे को ले जाके घर पर लगा सकते हैं? हाँ, इसको घर में आप दरवाजे के ऊपर टांग सकते हैं, टांगने से आपके घर में सुख समृद्धि भी रहेगी और इसका उपयोग भी कर सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं, पाउडर बना के पी सकते हैं। आयुर्वेदिक पर भरोसा इसलिए रहता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं, अगर इससे फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होता, तो इसलिए अच्छा थोड़ा सा प्राइस वाइज भी बेनिफिट रहता है, सस्ती दवाइयाँ आती हैं तो उस वजह से हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। अमरावती डिस्ट्रिक्ट से आए इस मेले में, हमारा हमने आयुर्वेदा के जो जानकारी जो थी हमको उस बारे में हम इस मेले को विजिट देने आए, उसमें हम तरह तरह के जो आयुर्वेदिक जो आदमी के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी बीमारी हो उसके लिए जो कुछ इलाज के लिए दवा होना वो यहाँ सब उपलब्ध हमको दिख रही है। हम इससे बहुत बड़ा हमको आनंद हुआ इस मेले के बारे में, कई सारी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिली जो हम कॉमन नहीं देख पाते हैं और उनके बारे में नॉलेज मिला। जहाँ तक आयुर्वेदिक दवाइयों को साइड इफेक्ट तो होते नहीं, इसलिए बगैर पूजे भी आप फॉलो कर चलेगा। यहाँ पर हमने अद्भुत किस्म की जड़ी बूटियाँ देखी, जैसे नागदून है, सेमल है, कमरकस है, बहेड़ा है, और हमने कई लोगों से यहाँ पर मिले, बाहर के लोग भी आए, उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लाए। और अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, प्रोडक्ट्स थोड़े प्योर होते हैं, एक हर्बल कॉर्पोरेट लाइफ जितनी फास्ट लाइफ है उसमें एक नेचुरल फ्लेवर देता है हर्बल। बिल्कुल रेयर प्लांट्स हैं या जिस तरह के कंद या जो मूल हैं वो जो नहीं मिलते देखने को वो भी यहाँ देखने को मिले हैं, जैसे केवकंद जो मैं लेके आया हूँ ये मैंने नहीं देखा था और पहली बार यहाँ मुझे मिला है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं, मेडिसिन्स हैं और प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फ्रूटफुल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है। ऋग्वेद में मौजूद मानव स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को यदि गहराई से समझा जाए तो मानव शरीर को पूरी तरह निरोगी बना पाने में कोई संदेह नहीं हो सकता, और ऋग्वेद का अंश माना जाता है आयुर्वेद। इसी आयुर्वेद को एक नई पहचान देने में जुटा है लघु वनोपज संघ। लघु वनोपज संघ का आयोजन वन मेला भी धीरे धीरे आयुर्वेद का पर्याय बनता जा रहा है। वन विभाग द्वारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर्बल मंडी की व्यवस्था की गई है, जिनसे कृषकों में जड़ी बूटियों की खेती और व्यापार के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और इस तरह प्रतिवर्ष वन मेले के आयोजन से लोगों को जंगल और आयुर्वेद से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। ये आयोजन इतना महत्वपूर्ण और विस्तार समेटे हुए है, जिसको देखते हुए हम अपने अगले सेगमेंट में भी वन मेले से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़, 232 जोन 1 एमपी नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।